डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, यानी कि डीएनसी, जिसे हिंदी में बच्चेदानी की सफाई भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएनसी कराने के बाद कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है, कितना पेन हो सकता है, और अगर कितने दिन तक ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो आपको डॉक्टर को दोबारा दिखाना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीषा गुप्ता, आई एम प्रैक्टिसिंग ऑप्शन गायनी इन दिल्ली। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो डीएनसी जो कराई जाती है, या तो आपको कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर आपने कोई बच्चे बच्चा गिराने के लिए दवाई खाई है, उसके बाद भी अगर बच्चे के कुछ टुकड़े रह गए हैं तो उसको रिमूव करने के लिए डीएनसी करते हैं। तो इन दोनों पर्पस में हम डीएनसी पेशेंट का करते हैं। अब पेशेंट के डीएनसी तो हो गई, लेकिन इसको पेशेंट को कई बार थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग भी होती रहती है, यानी कि कई दिन तक उन्हें ब्लीडिंग भी महसूस होती है। तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, ये ब्लीडिंग आखिर कितने दिन तक होती है। तो जब डीएनसी हो जाती है तो क्या होता है कि बच्चेदानी जो है, जो कि थोड़ी बड़ी हो गई है प्रेगनेंसी की वजह से, वो वापस से अब सिकुड़ के नॉर्मल होना चाहती है, यानी कि वो नॉर्मल स्टेट में आना चाहती है। तो उसके सिकुड़ने की वजह से पेशेंट को थोड़ा बहुत एब्डोमिन क्रैम्प होता है और थोड़ी बहुत लाइट सी स्पॉटिंग होती है। तो ये जो स्पॉटिंग और थोड़ी ब्लीडिंग है, ये आपको 2 से 3 दिन तक रह सकती है, और कई पेशेंट को ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग 1 हफ्ते तक भी रहती है। लेकिन मैक्सिमम ये ब्लीडिंग आपको 1 हफ्ते तक बंद हो जानी चाहिए, यानी कि स्टॉप हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग जो है डीएनसी के बाद 7 दिन के बाद भी कंटिन्यूड है, और आपकी ब्लीडिंग की इंटेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पैड्स भी चेंज कर रहे हैं, और आपका पेन कंटिन्यूस है, और आपको रूटीन काम करने में प्रॉब्लम आ रही है 1 हफ्ते के बाद भी, तो आपको ऐसे केसेस में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो रिक्वायर्ड आपके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कई बार कभी कुछ टुकड़े रह जाते हैं अगर डीएनसी करते वक्त, तो वो भी दोबारा से उसको मेडिसिन दे के, कुछ सूटेबल दवाई दे के उसको रिमूव कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डीएनसी के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है, और कितनी ब्लीडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।